हेलो स्टूडेंट्स आई एम सविता गुप्ता लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विद सविता आज हम क्लास अलेवेंथ की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर द लेबरनम ट्री इसके एम करने जा रहे हैं सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर एम सी क्यूज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम ट्री शिरले टॉल्सन टेड ह्यूक्स वॉल्ट वाइटमैन और मार्कस नैटन तो इस कविता द लेबर्नम ट्री के आ, पोएट कौन हैं द करेक्ट आंसर इज टेड ह्यूक्स विच ट्री इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोय एप्पल ट्री चेरी ट्री लेबर्नम ट्री पाइन ट्री तो इस कविता में किस पेड़ की आ, पेड़ के बारे में बात की गई है एंड द करेक्ट आंसर इज लेबारनम ट्री वॉट हैपन टू द लीव्स ऑफ द लैबारनम ट्री दे आर ग्रीन फॉल एंड डाउन टर्न येलो न्यू लीव्स ग्रोइंग लेबरनम ट्री की पत्तियों के साथ क्या हुआ एंड द करेक्ट आंसर इज टर्न येलो पत्तियां पीली पड़ रही थी। वाई आर द लीव्स येलोइंग बिकॉज इट इज़ सनी डे बिकॉज इट इज रेनी डे बिकॉज इट इज ऑटम सीजन नन ऑफ द एवर तो पत्तियां पीली क्यों पड़ रही थी एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट इज ऑटम सीजन सीजन क्योंकि ये पतझड़ का मौसम चल रहा था वॉट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द फिंच बर्ड एज ए फ्रेंड एज ए शेल्टर एज ए नेबर एज ए सपोर्टर तो फिंच बर्ड के लिए पेड़ कौन सा रोल प्ले रोल प्ले कर रही थी एंड द करेक्ट आंसर इज एज ए शेल्टर वो उसको शरण देने का रोल प्ले कर रही थी वैन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव इन द मंथ ऑफ मार्च बाय द अराइवल ऑफ़ मॉनसून सीजन बाय द अराइवल ऑफ़ गोल्डिन बर्ड बाय द अराइवल ऑफ़ स्पैरोज तो मृत्य प्राय पेड़ जो था बिल्कुल शांत मृत्यु की तरह खड़ा जो पेड़ था वो कब सजीव हो गया एंड द करेक्ट आंसर इज़ बाय द अराइवल ऑफ़ गोल्ड फिंच बर्ड जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड आती है उसके बच्चों के चहचहाने से पूरा पेड़ मानो सजीव हो जाता है वाई डिड द गोल्ड फिंच बर्ड केम टूवर्ड्स द ट्री टू मेक ए नेस्ट टू हैव रेस्ट टू फीड हर यंग वंस नन ऑफ द एवाब तो गोल्डिच बर्ड जो है वो पेड़ की तरह लेबरनम पेड़ की तरफ क्यों आती है एंड द करेक्ट आंसर इज़ टू फीड हर यंग वंस उस लेबरनम ट्री पर उसका नेस्ट था घोसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे तो उन बच्चों को भोजन खिलाने के लिए वो आई हुई है वेयर आर द यंग वंस ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री नन ऑफ द एवाब तो गोल्डफिंच बर्ड के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो कहाँ थे एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच पेड़ों की पेड़ की डालियों की घनी झुरमुट थी उसके अंदर उसने घोसला बना करके बच्चे अंडे दिए थे जिसमें अब बच्चे निकल आए थे हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच स्मूथली स्लोली लाइक ए लिजर्ड बाई फ्लाइंग तो जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो ब्रांच की दूसरी साइड किस तरह मूव करके गई एंड द करेक्ट आंसर इज लाइक ए लिजर्ड एक छिपकली जैसी स्मूथली और बड़े सावधानी के साथ वो धीरे से खिसक करके दूसरी साइड में चली गई ब्रांच के हाउ डिड द बर्ड अराइव्ड एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री साइलेंटली इनफ्लक बाई ए चेरपिंग साउंड हरिडली तो जो बर्ड थी वो पेड़ के जो ब्रांच थी जो डालियाँ थीं उसकी दूसरी ओर कैसे गई विद अ चेरपिंग साउंड यानी चहचहाती हुई आवाज़ के साथ वॉट हैपेंड आफ्टर शिफेड हरियांग वंस शिफ्लू अवे she stayed there. she flew to the other side of the branch. she took some rest in the nest. तो जब वो बच्चों को भोजन खिला दी तो उसके बाद क्या हुआ? and the correct answer is she flew to the other side of the branch. वो उस branch से जहाँ पर घोसला था वहाँ से निकल करके दूसरे branch के ऊपर जा करके बैठ गई वाई वॉज़ गोल्डिंच बॉडी बियरली विजिबल बिकॉज शी वॉज वेरी टाइनी बिकॉज शी वॉज ब्लैक इन कलर ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी बिकॉज द ट्री वॉज वेरी विक तो गोल्फिज जो बर्ड थी उसकी उसकी जो बॉडी थी गोल्फिंच बर्ड बड़े मुश्किल से दिखाई दे रही थी इसका क्या कारण था एंड द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी गोल्डफिंच बर्ड खुद भी डार्क बहुत ही गहरे रंग गहरे पीले रंग का रंग की थी इसलिए वो बड़े मुश्किल से दिखाई दे रही थी विच डोमिनेंट कलर इज़ यूज इन द पोयम रेड येलो ग्रीन ब्लू तो इस कविता में कौन सा रंग है जो बड़े प्रभावी ढंग से जिसके बारे में बताया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज येलो येलो कलर है लेबरनम के फूल भी येलो हैं और जो गोल्ड फिंच है वो भी येलो कलर की है हाउ वाज़ द ट्री बिफोर द गोल्ड फिंच केम द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स द ट्री वॉज फुल ऑफ़ फ्रूट्स द ट्री वॉज स्टिल एंड साइलेंट ऑल द एवाब तो गोल्डफिंच के पेड़ पर आने के पहले पेड़ कैसा था इन द करेक्ट आंसर इज़ द ट्री वॉज स्टिल एंड साइलेंट पेड़ बिल्कुल शांत था और चुपचाप खड़ा था वट इज़ डिस्क्राइब एज इंजिन इन द पोय मशीन लिजर्ड लेबरनम ट्री गोल्ड फिंच तो पोयम में इंजिन इंजिन किसके लिए कहा गया है एंड द करेक्ट आंसर इज लेबरनम ट्री लेबरनम ट्री के लिए इंजिन uh, शब्द का यूज़ हुआ है वॉट मेक्स द ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रील्ड बिकॉज द गोल्ड फिंच एंटर्स इन टू द साइलेंट लेवल ट्री बिकॉज द चिक आर चिपिंग टू सी देयर मदर द चिक्स आर फ्लैपिंग एंड चटरिंग ऑल द एब तो जो पेड़ था वो क्यों शोर गुल से थरानाने लगा और रोमांचित हो गया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द एवब तो ऑल द एवब में क्या है बिकॉज द गोल्ड फिंच एंटर्स इनटू द साइलेंट लेबरनम ट्री लेबरनम ट्री जो बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल खामोश खड़ा था उसके अंदर जैसे ही मदर गोल्ड फिंच प्रवेश करती है है ना तो उसके प्रवेश करने से बच्चे चहचहाने लगते हैं बिकॉज द चिक्स आर चिरपिंग टू सी देयर मदर तो माँ को देख करके बच्चे ज़ोर जोर से चहचहाने लगते हैं द चिक्स आर फ्लैपिंग एंड चिटरिंग तो जो चिक्स थे छोटे छोटे बच्चे थे वो ज़ोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगते हैं और चू चू चूँ करके चिल्लाने लगते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑल द एव ये सब ऐसा होने लगता है What happened to the bird in the end of the poem? She died. She flew away. She fell down. She hid behind the tree. Poem के अंत में जो goldfinch bird है उसके साथ क्या होता है She flew away. वो चुपचाप उड़ जाती है और भोजन के तलाश में वो चुपचाप वो वापस उड़ जाती है वॉट डज द फेस हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिम्बल ऑफ रिकोगन ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी नन ऑफ द तो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क इस फेस का क्या मतलब निकलता है एंड द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकग्नीसन जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका जो फेस है वो उसका परिचय और उसके पहचान का एक प्रतीक है हाउ वॉज द ट्री इन द एंड वेन बर्ड फ्लू अवे इट वॉज स्टिल ए लाइव It was death like, death like again, no change at all, none of the above. तो goldfinch के उड़ जाने के बाद जो lebernum tree है, वो अब किस स्वास्थ्य में है? And the correct answer is it was death like again. ये फिर बिल्कुल मृत्यु की तरह शांत हो गया। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन सेप्टेम्बर सन लाइट सिमिली एलिटरेशन पर्सनिफिकेशन ऑक्सीमोरॉन तो सेप्टेम्बर सनलाइट तो यहाँ देखिए सेप्टेम्बर में सनलाइट में स तो स सोवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है सो हियर इज एलिटरेशन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन स्लिक एज ए लेजर्ड तो सिमिली ट्रांसवर्ड एपीथेट पर्सनिफिकेशन ऑक्सीमरान तो स्लिक एज ए लेजर्ड इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज सिमिली सिमिली कैसे वर्ड ऑफ कंपेरिजन एज का यूज़ हुआ है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन ट्रिमर थ्रिलिंग सिमिली एलिटरेशन पर्सनिफिकेशन ऑक्सीमोरॉन तो ट्रिमर थ्रिलिंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ यूज हुआ है ट्र ट्र कॉन्जोनेंट साउंड का रिपीटिशन है सो एलिटरेशन इज हियर विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क सिमिली ट्रांसफर्ड एपीथैट पर्सनिफिकेशन ऑक्सीमोरान तो हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क में कौन से फ़िगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है ट्रांसफर्ड एपीथेट का यूज़ हुआ है

थरथराने का काम लिविंग बीइंग करते हैं तो लिविंग बीइंग का जो ह्यूमन कैरेक्टर है वो पेड़ को दिया गया है सो पर्सनिफिकेशन इज हियर विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन इस स्टार्ट्स अप सिमिली मेटाफर पर्सनिफिकेशन ऑक्सीमरान So she enters the thickness and the machine starts up. Is me consa figure of speech is when the correct answer is metaphor. So, students, this is all about the MCQs of the laburnum tree. Thank you. Thanks for watching the video.